भगवान जगन्नाथ जी 146મી रथ यात्रा ने लईने गणतरीना कलाको बाकी रह्या छे, त्यारे भगवान ने लाड लड़ावा माटे भक्तो तैयार छे। हाल में जगन्नाथ मंदिर में उत्साहनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। जगन्नाथ मंदिर में भगवान नी नेत्रोत्सव विधि योजवामां आवी हती। जगन्नाथ मंदिर में संतो महंतोना भंडारा में लोकोए दूधपाक मालपुआनो प्रसादनो लाहो लीधो हतो। नेत्रोत्सव विधि माटे एवी मान्यता छे कि भगवान जगन्नाथ मोसाड़ सरसपुरमां मामाना घरेथी परत फरता भगवान ने आँखों आवी जाय छे। त्यारे भगवान जगन्नाथ भाई बळदेवजी अने बहन सुभद्राजीनी आँखों आवी जता पाटा बांधवामां आवे छे। आ विधि नेत्रोत्सव विधि तरीके ओळखवामां आवे छे। जगन्नाथ मंदिरना महंत दिलीपदासजी द्वारा संतो महंतोना भंडारानो प्रसाद ग्रहण करवामां आव्यो हतो। तेमने वस्त्रदान तेमज दक्षिणा द्वारा सन्मान करवामां आव्यु हतुं। नेत्रोत्सव विधिना दिवसे दरमियान वस्त्रदान अने दक्षिणानु धार्मिक महत्व रहेलू छे। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ के 146वें रथ यात्रा में के उपलक्ष्य में यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी मौसाड़ से आज ही वापस आए हुए हैं। निज मंदिर पे हम लोगों ने भगवान का दर्शन पा करके धन्य हुए हैं। आज भगवान को के आँख में पट्टी लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जब मौसाड़ से वापस आते हैं तो उनकी आँखें आ जाती हैं। भगवान आज निज स्थान पे अपने आ कर के और पट्टी लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु पधारे हुए हैं और अन्नदान वस्त्रदान का आज विशेष महत्व है। हमारे भ्राता श्री आर के चतुर्वेदी जी, जो हमारे उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने आज यहाँ सभी सारे बहुत सारे साधु संतों को वस्त्रदान दे करके और पुणे के भागी बने। हम सभी लोग साथ में यहाँ आए हुए हैं और दर्शन का खूब लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके, आँख में पट्टी बंधी है। यहाँ सब साधु संतों का दर्शन करके धन्य हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्य। आज जगन्नाथ मंदिर में वस्त्रदान और नेतृत्व उत्सव मनाया गया। 20 तारीख को भगवान की 146वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पाहित विधि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी करेंगे। आज यहाँ पे साधु संतों को वस्त्रदान दे के बहुत ही अलग ही अनुभूति हुई और ये बहुत ही किसी जन्म के पुण्य हैं जो हमारे इतने साधुओं के दर्शन होते हैं। ऐसे काम में प्रभु हमको मौका देते हैं। हम जगन्नाथ भगवान को किस तरह से प्रणाम करूं, वो हमको ऐसा मौका दिया कि आज हजारों साधु संतों को वस्त्रदान और उनके दर्शन का लाभ मिला।